जी स्क्रीन शेयर भी हो गया जी, मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने ना लेक्चर फोर के लिए कुछ डेटा सेट्स जो है ना वो निकाल के रखे थे, एक मैं छोटा डेटा सेट लेता हूँ, छोटा नहीं थोड़ा 2000 का सैंपल लेते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, तो मुझे एक दफा बता दें। जी सर, ठीक है। जी सर, आ रही। ठीक हो गया। हमारे साथ कितने लोग हैं इस वक्त? नंबर पता लग जाए मुझे कितने चले। चलिए, अच्छा ये हमारे पास एक डेटा सेट है, आप लोग अपने अपने माइक जरूर ऑन रखिएगा ताकि फिर मैं आपसे डिस्कशन कर सकूं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, रीबा आप भी जरा गौर से समझिएगा। आज ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये 245 रोज का एक डेटा है, इसको हम डेटा कहते हैं, रॉ डेटा। ये जो ऊपर ऑर्डर डेट आ रही है इसको हम कहते हैं फील्ड, फील्ड हेडिंग्स कहते हैं। ये जो ऑर्डर डेट, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, इसको कहते हैं फील्ड्स, और ये उनके आगे अंदर डेटा होता है। अब आप जरा गौर से देखिएगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसको कन्वर्ट कर दूं। ये देखिए जी, ये आपके सामने एक डेटा नजर आ रहा है, इसमें डेट्स लगी हैं, जिसमें अगर आप फिल्टर करें तो आपको नजर आ रहा है जी, ये पूरे महीने जनवरी इस तरह 21 के हैं, इसी तरह 20 के हैं। आगे इसके रीजन डले हुए हैं ईस्ट और वेस्ट, और आगे फिर सिटीज डले हुए हैं बोस्टन, लॉस एंजलस, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, इसी तरह सिटी सिटी मैंने बोल दिया। कैटेगरीज बनी हुई है बार्स, कुकीज, क्रैकर, स्नैक्स। प्रोडक्ट में क्या है जी, एरो रूट, बनाना, ब्रैन, ये एक फूड सेल्स का डाटा है, मैंने नेट से डाउनलोड किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये फर्ज करें एक स्टोर है, उस स्टोर का ये डाटा है, उस स्टोर के इस डाटा सेट को इसमें ये चीजें आ रही हैं, क्वांटिटी आ रही है, यूनिट प्राइस आ रही है। अब क्वांटिटी से क्या मुराद है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंपल 2021 का, हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी दिसंबर। इसमें आप देखें कि 2000 जिस तरह हमने बिल की एग्जांपल की थी तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने डेट डाली थी, महीना डाला था, यहाँ पे रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी। अब ये क्या कहता है जी कि दिसंबर के महीने में
अगर मैंने देखना हो वेस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में लॉस एंजलिस सिटी के अंदर कुकीज की कितनी सेल्स हुई, तो उसमें उसने कहा जी कुकीज के अंदर ओट मील रेजिंग जो है ना इसकी सेल कितनी हुई, तो उसने कहा जी कि 6 दिसंबर को इसकी 100 क्वांटिटी बिकी जिसकी यूनिट प्राइस थी 2.84 डॉलर या रुपीस कह लें हम, कि तकरीबन इस रुपीस की है थी। अब इस पे उन्होंने क्या किया, इसके 100 आइटम्स बिके तो उसके 284 टोटल प्राइस बन गई, उसको टोटल सेल्स हुई उसकी। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी है कुकीज की 30 तारीख को बिकी जाके, वो जो 14 क्वांटिटी बिकी और उसमें जाके देखा तो 100, उसने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये देखें उसने इसी प्राइस में जब किया तो वो 20, लेकिन ये गलत लग रहा है मुझे इसका, मल्टीप्लाइड बाय दिस नहीं ठीक है, तो उस कंट्रोल दैट, तो उसने इतनी सेल्स की। आप इसकी सादा सी एग्जांपल ये ले लें, आप ये एक डेटा सेट है, जो डेटा साइंस है ना वो डेटा साइंस आपको ये सिखाती है कि आपके पास दुनिया में हमेशा एक किसी फॉर्म एंड शेप में एक डेटा आएगा, उस डेटे को आपने एनालाइज करना है, एनालाइज करके आपने उसमें से कुछ चीजें निकालनी है, उन चीजों निकालने की बेस पे आपने कोई डिसीजंस लेने हैं, लेकिन उस डिसीजन लेने से पहले आपने उसकी ऐसी फॉर्म एंड शक्ल बनानी है जिससे आपको कोई चीज नजर आनी शुरू हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी हमने जिस तरह एग्जाम्पल्स देखी थी तो हमने पिवट चार्ट बना के ना तो कुछ डेटे को देखने की कोशिश की थी, जिसमें से आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इसको ट्राई भी किया, शायद इमरान असलम ने मुझे एक फाइल भेजी थी, साथ में मुझे शायद तहसीन या सिदरा ने किसी ने भेजी थी, किसने भेजी थी जरा बताते हैं जिससे मेरी बात भी हो रही थी, एक्चुअली मेरे नाम सेव नहीं आ रहा। तहसीन मैंने भेजी थी, तहसीन ने भेजी थी और मैंने तहसीन को कहा था, अच्छा सदफ ने भी भेजी थी, मैंने तहसीन को कहा था कि आप इसको देखो कि ये जो आपने डाटा बनाया है इसको देख के आपको कुछ समझ आ रही है, तो उसका जवाब था कि मुझे कोई इतनी खास समझ नहीं आ रही। फिर इसी तरह इमरान साहब आपने भी एक डाटा बनाया था जिसमें आपने भी बनाया था, मैंने पूछा था आपको समझ आ रही है, आपने सिंपल पिवट टेबल लगाया है, तो आपने भी कहा था कि मैंने मैक्सिमम यही करने की कोशिश की, ऐसे ही है जी? जी सर ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे देखें इसमें मेरे पास इसका क्वेश्चन ये है कि जब तक हमें पता ना वो किस में से चाहिए क्या, तब तक हम उसका वो उसमें से निकाल नहीं सकते। जिस तरह भी आपने बताया है कि हमने एक खास एरिया की प्रोडक्ट की एक सेल निकाली है, तो उसमें अभी क्वेश्चन कोई नहीं था जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं कोई बात नहीं, मैं अब बताता हूँ। आप लोग जो जो इस चीज को सीखते जाएंगे ना, तो आप लोगों की सबसे बेसिक स्केल जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्केल जो है वो ये होनी चाहिए कि ये आप लोग अपने पास बेशक ये रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लीजिएगा, डेटा साइंस में और मैंने आज एक इमेज भी भेजा था कि डेटा साइंस के टूल्स क्या होते हैं, टूल्स में एक्सेल हो सकती है और 50 किस्म के टूल्स हो सकते हैं, तो टूल्स में एक्सपर्ट होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। डेटा साइंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि आपने उस डेटे पे कोई ना साइंस लड़ानी है कि जिससे आपको समझ लग सके कि आप क्या कर सकें। फर्ज करें मैं आपको हायर कर लेता हूँ एज मैनेजर और ये मेरी एक बेकरी है, जो कि मेरी बेकरी जो है वो 2 रीजन्स में है और मुख्तलिफ 4 शहरों में है जहाँ पे मैं ये आइटम्स बेचता हूँ, जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की आइटम्स हैं, जिसकी मैंने ये एक डाटा बनाया हुआ है कि मेरा इन महीनों में कैसे डाटा सेल हुआ। अब आप लोग इस डाटा को देख के मुझे बताते जाएं, मैं नोट करता हूं।
आप इस डेटे को देख के क्या क्या सवाल कर सकते हैं, मतलब आप इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं, मुझे लिखवाएं, मैं इधर लिखता हूँ, मैं पैरेलल एक विंडो खोल लेता हूँ, एक मिनट ठहर जाए। ये हाइड वीडियो पैनल, ये भी हाइड कर देता हूँ। नेम्स ऑन द एनोटेशंस, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स, ठीक है जी। आप, आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है। बाकी जी सब सर आ रही है ना सर, जी आ रही है ना सर, वही पहली वाली स्क्रीन नजर आ रही है जी। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अब आपके पास एक ही विंडो दो तरह से नजर आ रही है, ऐसे ही है जी? जी सर, जी। अच्छा, ये जो विंडो है ना, मुझे बताएं कि इसमें से आपको मैंने मैनेजर रख लिया है, सवाल पूछे इस डेटा में, हर बंदा एक एक सवाल मुझे लिखवाए कि मैं क्या निकाल सकता हूँ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे क्या देखना चाहिए इस डेटे में, रीजन वाइज मुझे कोई बंदा बोले फिर मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इस डेटे में क्या नजर आ रहा है, मुझे कोई बोले। बॉस्टन कुकीज, बॉस्टन कुकीज, ओके। अब अगर मैं लिखता जाता हूं, आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है जी सर। इसमें हमारे पास रीजन्स हैं, ठीक है, ठीक है जी जी। दूसरा हमारे पास सिटीज है, बल्कि मैं इसको लिख भी रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर लू। हमारे पास ये तीन से चार चीजें, ये चीजें जी, बल्कि मैं सारी लिख लेता हूँ, सारे सवाल पूछ लिया। तुम क्यों वापस आ गए? अच्छा जी, अब मैं कुछ बोलने लगा हूं। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि मेरी रीजन वाइज कितनी सेल्स हुई है, ऐसे हो सकता है जी? जी बिल्कुल हो सकता है, ऐसे हो सकता है जी? जी सर हो सकता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, मुझे रीजन वाइज सेल्स देखनी है, तो मैं क्या करने लगा, ये मैं स्केप का बटन दबाता हूँ, ये वापस आ जाता है। भाई तुम थोड़ी देर के लिए छुपे रहो ताकि मुझे तंग ना करो। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं कि हमने जो लगाया था ना, पहले दिन से हम लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या करता है, हमें इमीडिएट बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग के लिए डेटे के कट्स दिखाने की कोशिश करता है, हम कैसे कट्स देख सकते हैं। मैं इस डेटे को पूरे को सिलेक्ट करूंगा, अगर आपको समझ आ रही तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ, नहीं तो मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया डेटा, ठीक है जी। मैं इंसर्ट में जाके पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, मैं अभी सिर्फ पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ना ये एक टेबल बन गया, ये एक चीज बन गई है जिसको हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे जिससे कुछ हमें डाटा नजर आना शुरू हो गया। इसमें याद रखिएगा, ये सारी वो फील्ड्स नजर आ रही है आपको जो हमारे टेबल में थी, वो सारा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके चार पोर्शंस होते हैं, एक रोज होती है, एक कॉलम्स होते हैं, एक फिल्टर होता है, एक वैल्यूज होती है। रोज का क्या मतलब है, हम जो ये मैंने अभी सिलेक्ट किया ना हॉरिजेंटल, एक्सेल के अंदर या किसी भी टूल के अंदर आप लोग जो भी चीज यूज करते हैं उसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है हम उनको रोज कहते हैं, और जब मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ तो उनको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे डेटा सेट में हमेशा रोज एंड कॉलम्स होगी, तो उसमें हमने क्या देखना होता है कि अभी देखें, मैं अगर इस रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, इसके दो तरीके हैं, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ
आपने देखा यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता, मैं इसको ऐसे ड्रैग करके रोज में ले आता हूँ, तो ये फिर भी ये आ गया। ऐसे ही जी, ये ईस्ट और वेस्ट आ गया। अब ईस्ट और वेस्ट आ गया, एक हमारी रोज में आ गया। इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं इसको निकाल दूं, मैं सिटी ले लूं, तो आपके पास ये सिटी आ गया। मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, कैटेगरी आ गई। प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट आ गई। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी रीजन वाइज सेल्स कितनी हुई है। सबसे पहला सवाल इमरान साहब, आप जो पूछ रहे थे ना, आप लोगों ने खुद से एक डाटा को देख के सोचना शुरू करना है मुझे क्या देखना चाहिए। मैं उसकी पहला स्टेप ये करने लगा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ ये फूड सेफ सेल्स जो है, इसमें रीजन वाइज सेल्स कितनी हुई है। मेरा पहला सवाल है इस डाटे से। यहां से अगर आपको डाटा नजर आ रहा है तो मुझे बता सकता है कि रीजन वाइज सेल्स कितनी हुई है यहां से सर? हाँ जी, मतलब कोई बता सकता है कि मैंने देखनी है कि रीजन वाइज सेल्स कितनी हुई है यहां से सर? मुश्किल सर, हमें फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे मुझे बताएं? मैंने यहाँ पे देखनी है कि टोटल दो रीजन्स हैं, ईस्ट रीजन की सेल्स देखनी है, मैं क्या करूं, मुझे कोई बताए। हमने प्रैक्टिस फिल्टर ऐड करें। मैं यहाँ पे फिल्टर्स ईस्ट को सिलेक्ट करूं? जी सर, ईस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने ईस्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसमें हमारे पास क्वांटिटी ये आ रही है, यूनिट प्राइस ये आ रही है, और ये टोटल सेल्स आ रही है। तो मुझे ये टोटल सेल्स देखनी है, तो यहाँ पे लिखी आ रही है 21524, नजर आ रही है जी आप लोगों को? जी सर, आ रही है नीचे सम। ठीक है, सम में। अब मैं यहाँ पे इसका तरीका क्या करने लगा हूँ, अब मैंने अभी क्या किया पहला स्टेप, कि मुझे इसको देखने के लिए मुझे पहले फिल्टर लगाना पड़ा ईस्ट का जी। मुझे अगर वेस्ट की देखनी है तो मुझे फिल्टर लगाने पड़ेगा वेस्ट का। ऐसे ही जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप करता हूँ कि मेरे पास रीजन आ जाए, तो ये देखिए आप, रोज में मैंने रीजन डाला, तो मैं इधर टोटल प्राइस को वैल्यूज में लेके आता। आपके सामने क्या हुआ है, इसमें हमने एक पहला डेटा सेटअप बनाया है। डेटा सेटअप में क्या कह रहा है जी, कि ईस्ट की सेल्स हुई है 21,524 और वेस्ट की कितनी सेल्स हुई है, 11,800। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दोनों चीजें इजीली नजर आ रही है, यहाँ पे हमें बार बार फिल्टर लगा के देखना पड़ा था। ऐसे ही है जी? जी। अब मेरा सवाल ये है कि ईस्ट में, ईस्ट के अंदर जितने सिटीज है उनकी सेल्स दिखाओ। तो स्टेप्स नोट करें मुझे कितने करने पड़ेंगे। मैंने यहां से सिलेक्ट करना है ईस्ट, मैं देखूंगा बूस्टन, और फिर मैं जाके इसकी प्राइस को टोटल करूंगा, तो ये यहाँ पे आएगी। ऐसे ही है जी? जी जी सर। इसका मैं अल्टरनेट क्या करूंगा कि अभी ये देखिए, मैं यहां से सिटी उठाऊंगा जी, ये सिटी उठा के नीचे रीजन के ले आऊंगा। आपको नजर आ रही है जी, इससे आसानी हो रही है कुछ? जी सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लूं, सिटी को मैं कॉलम में ले आऊं, अब ज्यादा आसान नहीं लग रही? जी सर। आपको पता लग रहा है कि ईस्ट की टोटल सेल्स कितनी हो रही है जी, और ईस्ट में जो सेल्स हुई है वो बूस्टन में हुई है और न्यूयॉर्क में हुई है जी। वेस्ट में जो हुई है वो लॉस एंजलस और सैन डिएगो में हुई है। ठीक है जी? जी। मैं इसको वापस ले आता हूँ यहाँ। अब मुझे देखना है कि ईस्ट के हर शहर के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स हुई है। ये ना आप लोग जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये जरा गौर से सुने, इमरान साहब आप भी सुनिएगा, ये सवालात हैं जो हम डेटा से कर रहे हैं। आप एक मैनेजर हैं, आपने मैनेजर बन के इस फूड चेन के डेटा को देख के देखना है कि ये फूड चेन जो है सही काम कर रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि इस डेटा की शक्ल में आप नहीं दे सकते।
आपको उसके ऊपर कुछ स्टेप्स लगाने हैं जो हम पहला स्टेप लगा चुके हैं, ठीक है जी? जी। अब अगर हमने ईस्ट में बूस्टन, न्यूयॉर्क, वेस्ट में, ये अब इसके अंदर मैं कैटेगरी भी डाल देता हूँ। कैटेगरी आ गई है जी? जी। सारे सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा रीडिंग में इशू आ रहा होगा तो मैं इसका डिजाइन में जाता हूँ। इसके डिजाइन में एक रिपोर्ट ले आउट, अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट कर दूं तो ये आगे निकल आए हैं। ठीक है, अब इसको मैं इसके कुछ भी डिजाइन चेंज कर सकता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, जिससे आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाए डेटा सेट, जो आप जिसको इजीली इसको कैटेगराइज करके। अब कुछ बेहतर लग रहा है? जी सर जी, अब सही लग रहा है, लाइक ये भी सही लग रहा है। अब इसको देख के कोई मंदा बुद्धे बताए कि ईस्ट की टोटल सेल्स कितनी है? टोटल 21,524। ठीक हो गया, और वेस्ट की कितनी है? 11,800। तो एज अ मैनेजर आपका कौन सा रीजन ऐसा है जो ज्यादा अच्छा काम करता है? ईस्ट ज्यादा अच्छा। ये सवालात हैं, देखें ये सवालात हैं जो आपने डेटा से पूछ के समझने हैं। समझ आ रही है? जी सर। आप मुझे बताएं कि ईस्ट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जी जो सबसे ज्यादा बिक रही है? इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर इस तरह से आसानी से पता लग जाएगा, या अगर मैं इसमें से सिटी निकाल दूं जी। आप मुझे बताएं कि ईस्ट में कौन सी चीज ज्यादा बिकती है और वेस्ट में कौन सी ज्यादा बिकती है? कुकीज, और वेस्ट में भी कुकीज है, वेस्ट में दोनों में कुकीज है। कुकीज है। रीवा, आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके, आप मुझे बताएं एज अ मैनेजर मुझे सबसे पहला क्या स्टेप लेना है कि मेरी कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है? मुझे बताएं कि मेरी सबसे ज्यादा चीज कौन सी बिक रही है? कुकीज बिक रही है। कुकीज बिक रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपनी कुकीज को, मतलब बैक एंड पे मुझे कुकीज की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकती है। जी जी, ऐसा ही है जी? जी जी, मेरी बाकी चीजें इतनी ज्यादा नहीं बिकती। अगर मैं एक रीजन ईस्ट ले लूं और एक वेस्ट ले लूं, मुझे देखना है मेरी टोटल जो कैटेगरीज है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब हमने यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, हम सॉर्ट कराते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप लोगों ने देखा है कि ये सॉर्ट हो गया है, सबसे टॉप पे कुकीज आ गई जी। अब आपने एक मैथमेटिक्स में, डेटा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितने परसेंट सेल्स जो है ना वो मेरी सबसे अच्छी हो रही है। अच्छा, मुझे बताएं, कोई बंदा बताए कि मुझे देखना है कि मेरी कुकीज मेरी टोटल सेल्स का कितने परसेंट है। कोई फार्मूला क्या बनाए, क्या बनाऊं मैं? कोई बंदा बताए। एनीवन? सर, जो कुकीज है वो डिवाइडेड बाय ईस्ट का जो टोटल है। ठीक हो गया, बाकी लोगों को समझ आइए। मैं करता हूँ, ये देखिए, ये हमारी कुकीज है, ये कुकीज है, और इसको डिवाइड करा देते हैं हम टोटल सेल्स ईस्ट की टोटल से। ठीक है, तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको क्या समझ आई? ठीक है सर, ये मींस 100 में से 50% हमारी कुकीज सेल आउट हो रही है। ठीक हो गया। अब इसको मैंने फार्मूला क्या लिखा, C4 डिवाइडेड बाय C68। जो नीचे अमाउंट है हमें हर दफा इसी से डिवाइड करना, मुझे बार्स निकालनी है, तो दो तरीके हैं, मैं दोबारा फार्मूला लगाऊं, लेकिन मैं इसको सर ये ड्रैग भी तो कर सकते हैं हम सेम। ये मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, पता लग गया ये टोटल कितना बन गया, 100%। ठीक है जी, मेरा आसान काम ये हो गया कि मैं इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये देखे मेरे पास ये मैंने नंबर को उठा के नीचे कर 55%। अब मुझे बताएं किस रीजन में कुकीज टोटल सेल्स का ज्यादा परसेंट है? ईस्ट में। नहीं सर, वेस्ट में।
पहले में वेस्ट में पहले तो नहीं पता लग रहा था ना जी? नहीं, नहीं सर पहले नहीं पता चल रहा था। ठीक है, अब आपको एज आ समझ लें, आप ये एक पाकिस्तानी एग्जांपल ले लें, कोई एक बेकरी है लाहौर में, गोरमे बेकरी है, या आपके कोई भी एक दुकान है जी। आपने उस दुकान का ये डेटा है, उस डेटे में आपने देखना शुरू किया मेरी कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिकती है जी। ठीक हो गया। अब जो जो चीज ज्यादा बिकती है आपको उसको ज्यादा मतलब बनाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिके, ऐसे ही जी? जी सर। ओके, अब अगला स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सर दूसरी चीज यहाँ पर सर मैं एक और सवाल भी पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पूछे सवाल पूछा करें सारे, ताकि फिर सवालों से आगे चला करें, फिर ज्यादा सर मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया, उसके लिए सॉरी। अच्छा, अभी मुझे ये सदफ लग रही है। जी सर सदफ ही हूँ। अच्छा, वो सिद्रा कह रही थी ना शायद आप बिजी। जी सर, यहाँ से दूसरी चीज हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि जो प्रोडक्ट हमारी सबसे कम बिक रही है उस कम बिकने का रीजन क्या है, क्या उसकी वहां पर मार्केट वैल्यू नहीं है, यस क्या यस, लोगों में वो चीज पसंद नहीं की जा रही, ये भी तो चीज देखेंगे हम लोग। ये बिल्कुल देखेंगे, और इसी को रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। यही चीज जो है ना, ये आपने अभी कोरोना की एक पूरी एग्जांपल देखी, आप स्मार्ट लॉकडाउन सुनते थे जी सर, वो स्मार्ट लॉकडाउन कैसे लगता था? वो पूरे पाकिस्तान का डाटा बनाते थे, जहां पे केसेस ज्यादा हो रहे होते थे ना उसकी परसेंटेज निकालते थे, फिर देखते थे किस इलाके से आ रहे हैं, किस गली से आ रहे हैं, जिस गली से ज्यादा केसेस आ रहे होते उस गली को वो कहते थे इस पे लॉकडाउन लगा दो, ऐसे ही हो रहा था ना। ओके जी जी, वो सारा इसकी बेस पे कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है जी, अभी मैं इसको खत्म करता हूँ। अच्छा, मुझे अभी इसको, ये तो आपने देखा कि जो आपकी सेल हो रही है तो सेल के मुताबिक जो आपकी कुकीज है सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, मैं एक और काम करता हूँ, मैं सेल्स निकाल देता हूँ, मैं उसकी क्वांटिटी देखता हूँ, क्वांटिटी वाइज परसेंटेज भी हम निकाल के देखते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस, इससे भी आपको समझ आ रहा है जी सर कि आपकी जो कुकीज है वो क्वांटिटी भी ज्यादा बिकती है, इसलिए उसकी प्राइस भी ज्यादा, मतलब उसकी सेल की प्राइस भी अमाउंट भी ज्यादा, ऐसे ही है जी? जी सर। अच्छा, अब आपने एक और एनालिसिस करना, अरीबा आप भी आंसर दिया करो ताकि आई कैन कंफर्म हो जाए मुझे कि आपको कुछ समझ, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। ओके अच्छा, अब आप लोगों को ये समझ आ गई, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब मुझे देखना है आपके पास डेटे के अंदर था, प्रोडक्ट थी हमारे पास, ऐसे ही है? जी सर। अब हम जी सर, हम डॉक्टर, अब हम देखते हैं कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। आपके पास एक और चीज, बल्कि प्रोडक्ट को मैं इधर रखूं, अगर इससे कोई चीज समझ नहीं आ रही, बल्कि मैं क्या करता हूँ कैटेगरी निकाल देता हूँ, प्रोडक्ट डालता हूँ, इसको मैं सॉर्ट कराता हूं। क्या समझ आई सर? इसमें जो कैरेट से बनी हुई प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि गाजर से जो लाइक कैरेट केक्स होते हैं, डिफरेंट चीज, वो ज्यादा बिक रही है जी। कोई और बंदा? सर ये सॉर्ट हो चुकी है, जो जिनकी मतलब जिनकी सेल ज्यादा हो रही है वो टॉप पे चली गई है, और जिनकी कम है वो बॉटम में। ठीक है, अब देखिए, अब कैरेट से कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं? मैं दोबारा से एक चीज ऐड करता हूँ, मैं अगर इसके अंदर एक कैटेगरी डालता हूँ, ये देखें, अब आप देखें इसको, मैं कहता हूँ ठहर जाए, ये ईस्ट में दिखा रहा है और इस तरह से दिखा रहा है, कैरेट वाली आ रही थी, बार्स वाली आ रही थी, अगर मैं जी सर बार्स आ रहे हैं कैरेट, मैं ऐसे करता हूँ, अब कुछ समझ आ रही है? यस सर, बार्स ज्यादा है कैरेट से। ठीक है, अब देखो ये सर बार्स है, हमें समझ आ रही थी कि कुकीज की सेल्स ज्यादा है, हमने ये चेक किया था ना जी 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 सर,
अब कुकीज के अंदर देखना है, हमें पता लग रहा है कि कुकीज के अंदर भी डिफ्रेंसिएशन है। जी कुकीज में अगर हम गौर से देखें तो एरो रूट जो है वो कुकीज के अंदर सबसे ज्यादा बिकी है, उसकी क्वांटिटी बिकी है। मैं उसकी प्राइस ले आता हूँ, क्वांटिटी अभी निकाल देता हूँ। ये देखे, ये क्या है, सम ऑफ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस नहीं, पहले हम क्वांटिटी देख रहे थे, क्वांटिटी से देखते। ठीक है जी, अब कैटेगरी किधर गई, कैटेगरी डाली थी मैंने, कैटेगरी अच्छा उधर डाली। अब आप ये देखें, हमारी ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसमें बार, कुकीज, क्रैकर, स्नैक्स, इसमें अब इस डेटा सेट से कुछ समझ आ रही है? इसका मैं एक हल करने लगा हूं आपके सामने, मैंने ये इसलिए किया था, जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है ना उतना उतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। अब मैं दिखाता हूं, मैं पिवट चार्ट ऐड करूंगा, पिवट चार्ट ऐड कर, हमने पहले लिया रीजन, फिर लिया सिटी, फिर ली कैटेगरी, फिर ली प्रोडक्ट और उसकी हमने टोटल प्राइस ले ली। अब आप देखिएगा गौर से, मैं आपको दिखाता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसको मैं डिजाइन कोई और कर लेते हैं, जी अब जरा गौर से देखिएगा, वो आपने टेबल देखा था, अब इस टेबल से हम एक काम करते, इस टेबल से आपको फौरन पता लग रहा है सेल्स कितनी हो रही है। जी सर, ईस्ट का बाहर है वो ऊपर जा रहा है और वेस्ट का नीचे। जी तो इससे फौरन क्लियर होगा कौन सी, कौन सा रीजन ऊपर है। जी सर, ईस्ट ऊपर है और वेस्ट डाउन है। अब मैं इस प्लस को एक बटन प्रेस करता हूँ, अब इसके आपको फौरन पता लग रहा है कौन सा शहर सबसे ऊपर है। बूस्टन। उस टेबल से पता लग रहा था, इससे पता लग रहा है सर, इससे थोड़ा सा मुश्किल से पता चल रहा था, इससे इजीली पता चल रहा है सर, वो कंफ्यूजिंग तो थोड़ा सा ही है, सही है। लेकिन आप खुद, अब आप लोगों ने पूरी बात रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले ये डेटा था, इस डेटा से कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर हमने टेबल बनाया था, टेबल से थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ, जैसे डेटा बढ़ना शुरू हुआ तो आपको समझ आना कम होना शुरू हो गया, कम हो गया जी। अब मैं एक और काम करता हूँ, एक और करता हूँ, अब आपको समझ आ रही है, अब हर शहर में आपकी कैटेगरी नजर आ रही जी। यस सर, नजर आ रही है ना। जी सर, आप मुझे कोई देख के बता सकता है कि अभी तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, किस शहर में कुकी सबसे ज्यादा सेल हुई? बूस्टन में। और वो बूस्टन में हुई है, वो किस रीजन में है? सर ईस्ट में है। ईस्ट में है, नहीं वेस्ट में सर, ये ईस्ट ईस्ट में है। नजर आ रहा ना सर, ईस्ट में। जी सर, चले मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, अब बताएं मुझे कि कौन सी जो हमारा जो ये वाला है ना, इसमें डेटा जो है ना कैरेट प्रोडक्ट है, हमारी किस कैटेगरी की प्रोडक्ट टॉप पे बिक रही है? कैरेट। क्या समझ आई आप लोगों को? एक स्टेप और ऐड करता हूं,
ठहरने, मैं एक और स्टेप ऐड कर, अच्छा जी अब मैं एक काम करने लगा हूं, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं? जी सर देख ली। अब मैं एक और डेटा सेट देखना चाहता हूं, मैंने ये सब कुछ बाहर निकाल दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दिखाता हूं, मुझे ये दिखाए, इसमें मुझे सिर्फ ईयर्स दिखा दे, मुझे बताएं कि मेरा कौन सा साल है जिसमें अच्छी सेल हुई है। 2020 क्लियर नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। अब मैं अगर रीजन डाल दूं यहाँ पे तो मुझे बताएं मेरा, ऐसे नहीं इस तरह से, ऐसे बताएं, ये कैसे बताएं, बताएं बताएं, बताएं। इसमें रीजन नहीं आ रहा, ठहर है, मुझे बताएं कि मेरा जो कौन सा रीजन है, दोनों किस दोनों सालों में अच्छा चल रहा है? ईस्ट। ईस्ट 2020 में ईस्ट में 5422 की सेल्स हुई जी 2020 में। इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें देखें गौर से जरा चेक कीजिएगा, मेरा 2021 में वेस्ट की सेल्स कितनी है? 2883 जी। लेकिन 2021 में मेरी ईस्ट की सेल्स कितनी है? 4234। ऐसे ही है? जी जी सर। लेकिन मेरी वेस्ट की 2020 में सेल्स है 2900, जबकि 2020 में उसकी सेल्स है 54। अब मैं एक चीज करूंगा, इसको छोटा करके आप लोगों को समझ आए, बाकी लोगों को समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं गुजरी किसी के? कुछ यूजर है, बाकी किधर गए? बाकी भी मुझे जवाब दे, मुझे स्क्रीन पर देख रहे थे बंदे कौन कौन से। इमरान आपको समझ आ रही है? जी आ रही है। रीबा आपको कुछ कुछ हल्का फुल्का समझ आ रहा है? जी आ रहे सब समझ। ठीक है, अच्छा आप ये देखें, मैंने एक एनालिसिस करना है कि कौन सा रीजन पिछले साल के मुकाबले में खुद ही से इम्प्रूव किया है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 2883 मेरी 21 में सेल्स है, 29303 मेरी 2020 की सेल्स है, मैंने ये 20 है, ये 21 है, आपको क्या लग रहा है, वेस्ट इम्प्रूव कर रही है, वेस्ट खराब हो रहा है? सर खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। बाकी लोग खराब हो रहे हैं। और अगर ईस्ट देखें तो, ईस्ट देखें तो ईस्ट में भी अच्छा चल रहा है। नहीं सर ईस्ट में भी ऐसे ही है, 20 में ज्यादा थी। जी सर 2021 में कम किए। जी जी। अच्छा अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है कि मेरी वेस्ट रीजन की सेल्स पिछले साल के परसेंट, वेस्ट रीजन की सेल्स पिछले साल के मुकाबले में कितनी कम हुई है और ईस्ट रीजन की पिछले साल के मुकाबले में कितनी कम हुई। किसी को परसेंटेज निकालनी आती है? नहीं, मैं बता दूं, चले मैं निकालता हूँ। ये हमारी जो सेल्स है ये 2020 की है जी, और ये 2021 की है, ऐसे ही है जी? जी। इधर 2020 की है, ये 2021 की है, मैं लिखता हूँ 5422 और 4234। मैं परसेंटेज निकालता हूँ, परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं, जैसे आपने पासिंग मार्क्स निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस वन, मेरी कितने परसेंट सेल्स कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में इस रीजन में? -1% आप बताएं। 69% जी, 0.69%। अब मैं यही फार्मूला इधर लगाता हूँ लाके, इसमें कितनी हुई है? इसमें 91 -21 अब
अब मुझे बताएं कि कौन सा रीजन बुरा जा रहा है। सर वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट सर, ईस्ट बुरा जा रहा है ना जी। जी सर, किस बुरा जा रहा है? अब पहले जब हमने डेटा बनाया था तो हमें ईस्ट बहुत अच्छा लग रहा था जी, क्योंकि उसकी सेल्स ज्यादा थी जी। ऐसे ही है ना जी सर। जी सर, अब इस डेटे को देख के आपको क्या समझ आया? अरीबा आप बताएं, आपको क्या समझ आया? ईस्ट ने ज्यादा, ईस्ट ने लॉस, ईस्ट को लॉस हुआ है सेल्स में, और ईस्ट को ज्यादा लॉस हुआ है और वेस्ट को कम लॉस हुआ है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ईस्ट को लॉस ज्यादा होने की क्या वजह है और वेस्ट के लॉस कम होने की क्या वजह है? सर मुझे तो मतलब कि समझ तो आ रहा है, 2020 में जो ईस्ट का जो सेल थी ना, मतलब कि वो अच्छी जा रही थी, सही है, तो वो एकदम से फिर 2021 में ना मतलब कि कम होनी शुरू हो गई है, और जो वेस्ट के है ना उसकी शुरू से कम पे जा रही थी, और 2021 में भी वो मतलब के उसी उससे कम कमी जा रही थी, लेकिन वो जो 2020 ईस्ट की है ना वो पहले सही जा रही थी, मतलब सेल ज्यादा हो रही थी, और 2021 में उसने ना उसकी सेल उन चीजों की कम हो गई है। ठीक हो गया। इमरान आप मुझे बताएं। जी दोबारा, सॉरी किसकी आवाज है, बोले दोबारा। मैं कह रही थी वेस्ट की ऑलरेडी कम जा रही थी, तो उसको इस 2021 में भी। आपकी आवाज नहीं आई दोबारा, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा इमरान आप बता सकते हैं, एज फर्ज करें आप इस बिजनेस के मालिक हैं, तो इस वक्त आपके लिए खतरा किस रीजन में है? मेरे पास ईस्ट में ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसके अंदर बुरी तरीके से सेल जा रही है, जबकि वेस्ट में तो सेल की रेशो गिरने की कम है, तो वो इतना मैटर नहीं करता जितना ईस्ट में मेरे पास जो पॉइंट ऑफ फाउंडर ज्यादा है। समझ आई ना सबको ये बात? समझ आई है जी? जी जी। क्या हुआ है कि आप लोगों ने इस डेटा से कुछ सवाल पूछे, ऐसे ही है जी। हमने देखा कौन सा रीजन है, कौन सा शहर है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी प्रोडक्ट है, जिसमें अब हम देख रहे हैं जी, हमने देखा है जी कि ईस्ट जो है उसमें 21 और 20 के मुकाबले में बहुत बड़ा गर्क हुआ, ऐसे ही जी जी जी। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, रीजन रीजन इधर डालते हैं, मैं सिर्फ एक रीजन ले लेता हूँ। अब हमने सिर्फ ठहरे, कौन सा रीजन खराब था? ईस्ट, ईस्ट खराब था सर। ठीक है, हमने ईस्ट रीजन को फिल्टर, इसमें रीजन को फिल्टर में ले जाते हैं। अब हमारा काम है, अब हम, अब समझिएगा, हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, सबको पता लग गया कि प्रॉब्लम किस रीजन में है, लेकिन अभी किसी को पता लगा कि ईस्ट रीजन में असल मसला क्या है? नहीं सर। रीबा आपको पता चला, इमरान आपको पता चला, बाकी लोग जो है उनको किसी को पता चला, कोई बता सकता है अभी तक कि ईस्ट में मसला क्या हुआ? नहीं सर। नहीं, ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं जी। मेरे पास इस वक्त मैंने रीजन ईस्ट सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे ईस्ट सिलेक्ट कर दो। अब ईस्ट में मैं इसको क्या करता हूँ, डेटे में जाके ना इसकी मैं कुछ ग्रुपिंग करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मुझे मंथ वाइज कर दो, ईयर और मंथ कर दो, बल्कि मंथ की बजाय चलो मंथ ही कर लेते। अब आपके पास ये एक ग्राफ आ रहा है, नजर आ रहा है जी सबको? हेलो जी सर, आ रहे आ रहे भी आ रहे जी सर, आ रहे। अच्छा अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो, अगर मैं बराबर बराबर देखूं, चले मैं इसमें भी एक फिल्टर करता हूं, अब हमने कंपेयर करना है कि गड़बड़ हुई कहाँ पे। ये गड़बड़ देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारा टेबल ऐसे नजर आए जिसमें हमें पता लग सके। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये बराबर आ गया, इस पे मैं कहता हूं जी मुझे डेटा
लेबल्स तो दिखा रहा है, वो महीने भी दिखा रहा है। अच्छा अगर ऐसे ना करूं, मुझे ऐसे करके दिखाए तो कैसे। हाँ जी, अब कुछ समझ आ रही है बात? जी सर अभी आ रही जी, है। अब ज्यादा क्लियर हो गया जी। अब हम देख सकते हैं किस महीने में गड़बड़ ज्यादा हुई है। सर गड़बड़ नवंबर में, जनवरी में तो हुई है। जनवरी में सबसे पहले जनवरी में गैप है, जनवरी में और नवंबर, नवंबर में तो नहीं हुई। नवंबर और सर नवंबर में भी, नवंबर में हुई है, नवंबर में भी हुई है जी, और मार्च में भी है, अक्टूबर में भी है, इसका मतलब में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चला कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें पिछले साल की निस्बत काम खराब हुआ। ये रेड वाला 20 है और 21 जो है वो ये देखे, जनवरी में नीचे गया, फरवरी में नीचे गया, मार्च में नीचे गया, लेकिन अप्रैल में तकरीबन पास पास रहा, मई में तो बेड़ा ही गर्क हो गया, लेकिन जून में फिर बराबर है, जुलाई में फिर बेड़ा गर्क हो गया, अगस्त में फिर नजदीक नजदीक है, सितंबर में तो उड़ ही गया ना जी, अक्टूबर में हमें पता लग रहा है। रैंडम सा समझ आ रही कि एक महीना छोड़ के इधर क्या हुआ। नवंबर में देखो जी, नवंबर में तो उसने सारा कुछ ही पूरा कर दिया जी। तो इन चीजों को हमें देख के समझ आ रही है कि किस महीने में गड़बड़ हुई जी। तो अब जब हमने बैक एंड पे जाना है तो हमने देखना है कि जनवरी में ये आधी क्यों रह गई जी। जो आधी क्यों रह गई इसके लिए हम इसकी अब देखेंगे कि अब एक महीने को हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल लेते हैं ना, भी जनवरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जनवरी में क्या फड़ा हुआ, सही है जी सर जी। मैं ऑर्डर इधर इसको भी ऊपर ले जाता हूँ और इसमें से भी मैं जनवरी ले लेता हूँ, सिर्फ ये दोनों महीनों का जनवरी है, नजर आ रहा है जी। जी सर आ रहा है। मैंने इसमें कैटेगरी डाली, मेरी कैटेगरीज इसमें डाल गई हैं। आपको जनवरी में एक मिनट लाइन पे रहिएगा, एक मिनट नवाज तस्वीर नजर हेलो जी सर। हेलो जी सर, जी सर। अच्छा ये मैं जी मैंने ना अब इसमें सिर्फ जनवरी लिया है, ठीक है, दोनों दोनों सालों का जनवरी लिया है। आपको जो जो नजर आ रहा है ना, अब मुझे बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है उसकी सेल तबाह हुई है जनवरी में। सर स्नैक क्रैकर्स की, स्नैक्स की नहीं हुई, क्रैकर्स की जी सर, क्रैकर ये क्रैकर्स की जी जी क्रैकर्स की।
हाँ जी कोई और बंदा, क्रैकर्स के बाद दूसरी किसकी सेल्स खराब हुई है? दूसरी सर कुकीज की। सर कुकीज की हुई है। दो दो बंदे ही हैं, मुझे बाकियों से भी जवाब चाहिए। ओके अब मैं देखता हूं कि ये कुकीज जो क्रैकर्स की सेल खराब हुई है जनवरी में वो किन सिटीज में हुई है, देख सकता हूँ? जी सर। अब देखें जी हम किन सिटीज में क्रैकर्स खराब हुए। न्यूयॉर्क? नहीं। हाँ न्यूयॉर्क में, बिल्कुल 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 यू आर राइट। बोस्टन में देखो ना, ये सर नहीं देखे में तो हाँ ही। बूस्टन में जनवरी 2020 में 236 सेल हुई थी जी जी, जबकि जनवरी में न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में खराबी हुई है सारी। जी जी सर ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, अब रिपीट करें जरा, आपने कितने डेटे को एनालाइज किया, कितने डेटे को एनालाइज किया, मैं रिपीट करने लगा हूं कि आपने एनालाइज किया कि पहला, अब ये बुलेट पॉइंट्स हैं नोट कीजिएगा। सबसे पहला आपका एनालिसिस निकला कि आपका ईस्ट रीजन था वो खराब था, ऐसा ही है जी? जी। ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया, ये पहली फाइंडिंग्स थी आपकी एज अ जो किसी कंपनी का मालिक होता है, सीईओ होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऐसी चीजें देखे और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करे। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया दोनों सालों के मुकाबले में कि 2021 में आपका ईस्ट रीजन था उसकी सेल्स जितनी ज्यादा थी उतनी जल्दी से गिरी, ठीक है जी? जी जी। अब जो इतनी सेल्स गिरी तो आपने उसको फिर देखना शुरू किया कि वो सेल्स किस चीज की गिरी, वो आपको पहली आइडेंटिफाई हुआ कि वो क्रैकर्स की हुई, ऐसे ही है जी? जी जी यस। अब आपने क्रैकर्स की जब देखी तो अब आपने फर्दर देखने की कोशिश की कि क्रैकर्स किस शहर में सबसे बेड़ा गर्क हुआ है, जिसका मतलब न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा क्रैकर्स जो है इसमें तबाह हो गए, ऐसे ही है जी? जी 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 सर। अब मैं इसमें एक प्रोडक्ट भी डाल देता हूं। अब आप देखें जी के दोनों ही होल वीट के थे जी, लेकिन बूस्टर में होल वीट कामयाब रहा है, न्यूयॉर्क में होल वीट नहीं चला में। जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप न्यूयॉर्क में आइंदा होल वीट को जरा एहतियात के साथ या इस प्रोडक्ट को किसी नई प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करेंगे, ऐसे ही है जी? जी 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 सर ऐसे ही है। अब इसी चीज को हम रिपीट करते हैं फॉर फेब्रुअरी। अब आप फेब में देखें, क्या फेब में बताएं मुझे कि सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ है? फेब में सर बूस्टन में है, बूस्टन में वीट सर, उसमें भी क्रैकर्स का ही है। देखिए बूस्टन में 2020 में कैरेट आई नहीं, 21 में है सिर्फ। यस सर। इसका मतलब ये हुआ तो कैरेट की सेल्स हुई है, तो वहां पे पहले कैरेट की सेल्स थी नहीं, तो इसका मतलब ये तो इम्प्रूवमेंट है। सर बूस्टन में हम जब देख रहे हैं एक तो और रीजन भी निकलता है कि 2020 जी जी बोले, मैं ये कह रहा था कि 2020 में जो है ना वो कैरेट जो थी ना वो उसने ज्यादा सेल की उसमें, तो 2021 में नहीं थी। इसका मतलब है कि उस एरिया में कैरेट की या तो इन पैदावार खत्म हो गई या डिमांड खत्म हो गई, ऐसा कोई फैक्टर निकलता है वहां से, या ये भी हो सकता है 2020 में बूस्टर में कैरेट की प्रोडक्ट थी नहीं ना। देखे आप देखे बूस्टर में 2020 में कैरेट आ ही नहीं रहा, ऐसे ही है जी? जी सर 2021 में नहीं आया, 2021 में आया, ठीक है। तो ठीक है ना, एक मतलब उस वक्त था ही नहीं वो, तो उन्होंने कैरेट लॉन्च किया वो बिक गया जी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे महीने इकट्ठे सिलेक्ट कर लेता और इसमें से मैं सिर्फ प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। अब आप मुझे बताएं, ये मैंने ईयर ईयर अभी मैंने एक बंद कर दिया, अभी बताएं मुझे
कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी सेल्स इंप्रूव हो रही है और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी ईयर वाइज सेल्स कम हो रही है? सर इंप्रूवर्स की बार्स की कम हो रही है, बार्स की कम हो रही है, बार्स की कम हो रही है और कुकीज की जो है ना वो इंप्रूव हुई है, जबकि उधर हम क्या देख रहे थे कि क्रैकर्स वाज बेस्ट सेल, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें कि 20 में क्रैकर्स बहुत थे, 19 में क्रैकर आधे रह गए, बल्कि आधे से भी कम, आधे से भी कम। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे कुकीज जो है ना दे आर वर्किंग एवरीवेयर जी, लेकिन हमारे बार्स जो है वो भी कम हो गए, हमारे क्रैकर्स भी कम हो गए, स्नैक्स भी कम हो गए, स्नैक्स भी कम हो गए। तो अब आप क्या करेंगे एज अ बिजनेस हेड, आप अपनी कुकीज की सेल्स मतलब कुकीज की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, ऐसे ही है जी? जी सर बिल्कुल सर। अब मैं क्या करने लगा हूँ, हमने एक फाइनल कर लिया कि कुकीज जो है ना वो हमारी एक मेन चीज बन गई, ऐसे ही जी? जी। मैं अब क्या कर रहा हूँ, कुकीज को मैं इधर ले जाता हूँ, डीजन नीचे ले आता हूँ और सिटी निकाल देता हूँ। इसके बाद मैं रीजन की बजाय अब मैं रीजन निकाल के प्रोडक्ट ले आता हूँ। अब मुझे बताएं कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो ईयर वाइज ऊपर गई और ईयर वाइज नीचे आई? सर कैरेट जो है ना ये 2020 में मतलब के ऊपर सी थी और 2021 में जो इसकी प्रोडक्ट थोड़ी कम हो गई है, वो नीचे आई है। और नीचे जी नीचे आई है। और ये जो है ओटमील जो है ओटमील बराबर रही है, ये जो तकरीबन बराबर आ रही है। और इसी तरह होल व्हीट वाला जो है ये तो बहुत ही नीचे चला गया 2021 में। और पोटैटो पोटैटो चिप्स जो है ये भी नीचे चली गई है। ब्रान ये सर ब्रान है ये 2020 में कम थी और 2021 में ज्यादा हो गई है। और एरो रूट जो है वो भी मतलब वो बराबर ही चल रहा है, करीबन बराबर ही चल रहा है 2021 और 2020 ऐसे ही। इससे ये भी निकलता है कि लोगों ने गाजर और जो मीट खाना छोड़ दिया है और कैरेट जो है ना ये चॉकलेट चिप और इस तरह की चीजें जिसकी मशहूरी पैकिंग की है करके तो उसकी तरफ ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया। अच्छा मजे की बात पता क्या है जी, आप लोगों को जितनी एक्सरसाइज करा रहा हूं ना मैं जी, आपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे एनालिटिक्स लिख के लेके आने, ये आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोगों ने मुझे ये बिफोर लेक्चर कल सबमिट कराने सब ने। सबमिट okay, सबमिट कैसे फाइल भेजेंगे? मैं फाइल भेजूंगा। अब होगा क्या कि आप लोग जिस तरह वो मैंने बनाई थी एक फाइल दूसरी इसी की, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैंने डुप्लीकेट में खोला हुआ था ना। अब आप इसके जितने भी मैंने एनालिटिक्स आपसे डिस्कस किए हैं आपने वो सोच के लिख के लेके आने हैं कि बेस्ट रीजन कौन सा है, बेस्ट सिटी कौन सा है, वर्स्ट सिटी कौन सा है, बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है, बेस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे ज्यादा। अच्छा अभी अगला है एक एनालिटिक्स मैं निकाल देता हूं, किधर गया। अच्छा जी हम एक इसको निकाल देते हैं, इस पे रखते हैं हम ये, बल्कि क्वांटिटी की बजाय इसको इधर ही रखे, इसको मैं कर देता हूँ ईयर्स को मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे ला के जनवरी से लेके मैं रीजन भी इधर लेके आता हूँ, बल्कि रीजन भी इसके साथ लेके आता हूँ, नहीं रीजन ऊपर लाऊं ईस्ट वेस्ट रीजन आ गया। अच्छा चले अभी मैं सब कुछ बाहर निकाल रहा हूँ, कैटेगरी भी निकाल दिए। अच्छा जी मुझे अब कुछ लोगों को पिवट टेबल्स कुछ समझ आया? जी सर आया। मैंने देखना है सबसे ज्यादा
किस प्रोडक्ट की सेल्स क्वांटिटी नहीं प्राइस ज्यादा हुई है, मैं क्या करूं यहां से, क्या लेके आऊं? प्रोडक्ट हम रेजन पहले लेंगे? नहीं, मैंने सिर्फ ये देखना है कौन सी प्रोडक्ट है जिसने सबसे ज्यादा सेल्स में पैसे दिए, सिर्फ ये देखना। सर प्रोडक्ट लेंगे हम, पहले प्रोडक्ट लेकर आएंगे। मैंने प्रोडक्ट ले ली एंड देन टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इसकी करनी। प्राइस कहां लेके जाऊं मैं सर? वैल्यूज में ले गया। अब ये मेरे पास, मैं इस पे डाटा लेबल्स डालता हूं। अभी इससे कोई समझ आ रही है को? सबसे ज्यादा पैसे सर कैरेट की लेकर इससे ओटा मील इस, अगर मैं ऐसे कर लूं तो इस तरह से क्लियर हो जाता है? जी हां, इस तरह से भी हो रहा है सर, बेहतर हो रहा है, कैरेट की हो रही है। ठीक है, ये थी प्रोडक्ट 2020 में सर। नहीं, ये मैंने टोटल बनाई है, एक ईयर नहीं है, ये टोटल है। अच्छा ठीक है, मैंने अभी ये देखे ना, मैंने ईयर अभी नहीं डाला इसमें, ये टोटल है। अगर मैं प्रोडक्ट निकाल दूं, मैं कैटेगरी डाल दूं, इसको भी मैं सॉर्ट कराऊं। रीबा आपके ऊपर से गुजर रहा है? मुझे समझ आ रहा है। ओके दैट्स ग्रेट। मैं ये असल में इसको मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग कुछ काम कर चुके हैं, इस बच्ची ने अभी कोई ऐसी चीजें नहीं की, शी इज न्यू टू दिस फील्ड, तो इसलिए इसको समझ आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको समझ आ रही है जी कि आपकी सबसे ज्यादा सेल्स में किसकी परसेंटेज ज्यादा, जो हमने शुरू में परसेंटेज बनाई थी? कुकीज जी सर, कुकीज में। चले, हमने कैटेगरी भी देख ली, प्रोडक्ट भी देख ली, अब हम सिटी देख लेते हैं। अब आपको सिटी समझ आ रहा है कि कौन सा सिटी सर, है? बोस्टन। यस सर, बोस्टन सबसे अच्छा है। बोस्टन। ओके अब आप इससे भी पीछे आ जाए तो आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा रीजन फिल्टर लगा हुआ है। रीजन में मैंने फिल्टर लगाया हुआ था। अब रीजन भी आपको ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में जी सर। जबकि अब जब आपने अंदर एनालिसिस किया पता चला तो ईस्ट ही बाद में खराब हो रहा था, ऐसे ही जी जी। अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने पहले ये डाला, फिर मैंने सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ईयर्स भी डाल दिए। अब ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आपने इस एक बटन से क्या क्या देखना है। इस वक्त आपके पास रीजन आ रहे हैं जी, रीजंस आ रहे हैं। मैं एक प्लस का बटन दबाता हूं तो आपके पास सिटीज आ गए। यस सर, सिटीज आ गए। फिर मैंने प्लस का बटन दबाया तो आपके पास कैटेगरीज भी आ गई। फिर प्लस का बटन दबाया तो आपके पास प्रोडक्ट भी आ गए। ऐसे ही है जी। अब मैंने बटन दबाया तो उसके अंदर इयर्स भी आ गए जी। यस सर। मैं इसको एक बंद करता जाता हूं सारों, मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। अब ये देखें, ये चार बटन नजर आ रहे हैं, पांच जी सर। अब मैं किसी, अब ये स्पेसिफिक हर चीज मैं देख सकता हूँ। अगर मैंने देखना हो कि यहाँ पे मुझे सिर्फ दिखा दो प्रोडक्ट दिखा देते हैं, मुझे सिर्फ एरो कैड दिखाओ दोनों सालों की, तो ये सिर्फ एरो कैड का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, ओके जी। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं दो प्रोडक्ट इकट्ठी देख सकता हूँ, मैं तीन प्रोडक्ट्स इकट्ठी देख सकता हूँ, मैं सारी प्रोडक्ट्स इकट्ठी देख सकता हूँ। मैं यहां से रीजन को नीचे ले जाता हूँ, सिटी ऊपर ले जाता हूँ। अब ये मेरे पास सिटीज नजर आ रहे हैं जी। मैं अगर इसको खोलू प्लस का बटन, तो ये मैं अगर फर्ज करें रीजन निकाल लू तो ये आपके पास सिटी वाइज सारी कुकीज नजर आ रही है, ऐसे ही है? जी सर, ऐसे ही है। आप सोचें इमरान, आपसे मैं इस एक डेटा सेट को एनालाइज करने के कितने तकरीबन आपने प्रॉपर तरीके डिस्कस किए हैं? काफी ज्यादा किए हैं, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे देखना है अगली चीज, मैं सब कुछ निकाल रहा हूं, मुझे देखना है किस प्रोडक्ट की प्राइस सबसे ज्यादा है। मैंने देखना है
मैं प्रोडक्ट डालता हूँ, ये यूनिट प्राइस डाल देता हूँ। कैरेट की है सर, इसको सॉर्ट सॉर्ट कैरेट नहीं, ये अभी सम आ रहा है ना, सम आ रही है वैल्यू, उसने उसको जमा कर दी। मैं इसको कहता हूं तुम अभी देखें, ये कैरेट कह रहा है ना, जबकि यहां पे अगर हम जाएं कैरेट को फिल्टर करूं मैं, कैरेट की यूनिट प्राइस कितनी है? 51 नहीं नहीं ये प्राइस है, सॉरी 1.77 ठीक है। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे यूनिट प्राइस दिखानी, वो जमा नहीं कराना, मैं इसको कहता हूँ तो मैं एवरेज कर दूं, तो कैरेट की 1.7 आ गई जी, ये देखे ना कैरेट। अब मुझे बताएं सबसे ज्यादा, अब मुझे बताएं इससे आपको पता, होल वीट की है, हाँ सबसे ज्यादा प्राइस किसकी है? होल वीट की। तो कैरेट की दूसरे नंबर पे प्राइस है। आप जो भी प्रोडक्ट, शायद ये भी वजह है सर, ये भी वजह है इस प्रोडक्ट के ज्यादा बिकने की भी, ये भी वजह हो सकती है, लेकिन आप नोट करो कि ये 1.87 है, ये 1.65 है, कोई इतना फर्क नहीं है प्राइस में, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि कैरेट जो है ना लोगों की ई टेबल में सबसे फेवरेट आइटम होगी जी, बिल्कुल जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टोटल बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? कैरेट वाली चीज। तो आपने फोकस किस चीज पे करना है कि आपके बिजनेस में जो कैरेट वाली प्रोडक्ट्स हैं, मैं इधर से अब सिर्फ कैरेट वाली प्रोडक्ट्स देखते हमारे पास कितनी है, हम क्या करते हैं कैरेट के अंदर, कैरेट की क्या क्या चीज बनती है, मैं कैटेगरी में ले लेता हूं, प्रोडक्ट में सिर्फ कैरेट ले लेता हूं, कैरेट के अंदर प्रोडक्ट दिखा मुझे, तो इसमें एक ही है सिर्फ बार्स, हाँ इसमें बार्स ही है, इसका मतलब वो है कि कैरेट की जो बार्स हैं वो सबसे फेमस है। वाह वाह वाह, ऐसे लग रहा है ना जी जी। यस सर, सर बार्स है क्या, चॉकलेट टाइप कुछ? हाँ चॉकलेट बार ही होगी कैरेट की, चॉकलेट जी, वैसे ही है जी जी सर। अच्छा हम एक और चीज भी करते हैं, मैं एक और काम करता हूँ, क्या हुआ क्या 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 भाई ऐसे बोलना, मैं एक और चीज करता हूँ, मैं ईयर्स लेता हूँ, इसको ग्रुप करता हूँ, ग्रुप बाय डेज, मंथ्स कर लिया, डेज करते हैं, मंथ्स मैं मंथ्स इधर कर देता हूँ, बीस इक्कीस हमारे पास मंथ्स ऐसे आ रहे हैं, मैं एग्जैक्टली मंथ देखता हूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल देखने लगा था इसमें, मैं ईयर्स के साथ फिल्टर में ईयर इधर ले जाता हूँ, मैं सिर्फ एक साल देखता हूँ, 19-20 सिर्फ 21 का देखता हूँ, और मैं देखता हूँ इसकी टोटल क्वांटिटी। अब आपके सामने ना एक और तरह से एक चीज बन के आई है, नजर आ रही है जी। आप सर। इसको आप हर महीने में डेट वाइज भी देख सकते हो, इसकी मैं क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी डाली ना, नहीं यूनिट प्राइस डाल दी, क्वांटिटी डाल दी, ये देखें आपको डेट वाइज भी समझ आ रहा है कि किस डेट में जाके सेल्स ज्यादा हुई जी। ये जी मंथ मैंने जनवरी सिलेक्ट किया, मैं अगर फेब सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्या समझ आई सर, फरवरी में 28 को सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रोडक्ट जो सेल हुई, पूरा पूरा महीना इवेंट होगा, पूरा महीना इवेंट होगा,
मतलब पूरा महीना कुछ भी नहीं हुआ और आखिरी आखिरी दिन में बिकी है सिर्फ। जी सर, ये कोई इवेंट हो सकता है उस दिन इनका। हाँ ठीक है ना, लेकर पूरा महीना सेल्स अच्छी नहीं हुई। मैं आगे ले लेता हूँ मार्च में, बल्कि मैं अगर जैन फेब दोनों कट्ठे करूँ। ये डेटा एरर भी तो हो सकता है सर, एंट्री एरर। नहीं वो डेटा उन्होंने जानबूझ के ऐसे बनाया हुआ कि आपको समझ आए। ये देखें आपका मार्च भी ठीक चल रहा है जी, मार्च तो बिल्कुल सही चल रहा है। अप्रैल हमने महीना को साल अप्रैल में भी फर्स्ट अप्रैल एंड 28 अप्रैल मतलब 28 और 7 अप्रैल में ज्यादा। मुझे इससे पता क्या शक हो रहा है जी सर, ये देखें ये शुरू के दिन है और ये एंड का दिन है, ये सैलरी आने के दिन लग रहे हैं। यस सर, सैलरी आती है लोग। क्यों इमरान साहब? सर हम भी हैं सैलरी वाले। इससे समझ आ रही ना कि जब सैलरी आती है तो चीजें बिकती हैं, जब सैलरी इस बीच में खत्म हो जाती है फिर सेल खत्म हो जाती है। मई में आ जाए, इसमें नॉर्मल चल रहा है जी, इसमें नॉर्मल चल रहा है। बोनस आ गया होगा जून, ये देखिए जून में फिर लेकिन देखें जून में लास्ट में कम हो रही है, जून में फिर कम हो रही है सर। नहीं इससे ये समझ आती है कि जून में एवरेज वही है लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सेल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इवेंट होगा जो आप लोगों ने पहले जी। अच्छा जी हम आगे जुलाई पे आ जाते हैं, जुलाई फिर देखें, जुलाई भी सही चल रही है। ये देखें जी, देखें स्टार्ट ऑफ जुलाई एंड ऑफ जुलाई, ये वो इवेंट सैलरी वाला इवेंट ही है, मतलब सब कुछ समझ आ रही है ना जी। ये देखो फिर वो अगस्त को में, तो इससे समझ लग रही है कि जो भी सेल्स होती है ना, जो भी मीठा खाते हैं चॉकलेट खाते हैं वो महीने के शुरू में खाते हैं या महीने के एंड में खाते हैं जी, तो हमें उस टाइम पे अपनी प्रोडक्शन या सेल्स की चीजें ज्यादा रखनी पड़ेंगी जी। ये फिर कोई इवेंट होगा। ठीक है जी, सितंबर में बीच में ज्यादा हुई थी, आगे पीछे कम थी। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ये जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन है यहाँ पे हमने जो मतलब इयर्स है उसके अंदर हमने मंथ चेक करने हैं, तो वो वाली चीज रखनी होती है लाइक अगर इसके अंदर वीक चेक करने हो या डेज चेक करने हो तो वो हम लेजेंड वाले सेक्शन में रखेंगे। किस वाले सेक्शन में सर? ये जो फिल्टर के साथ है लेजेंड वाला। हाँ ये जो फिल्टर्स है ना, ये आपकी देखिए फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर का मतलब ये है कि वो पूरी रिपोर्ट में से सिर्फ वो चीज फिल्टर करके दिखाए, जिस तरह मैंने अभी 21 फिल्टर किया हुआ है, मुझे सिर्फ 21 देखना है। फिल्टर एक चीज होती है जो पूरी रिपोर्ट पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर ईयर यहाँ से निकाल देता हूँ, मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल देता हूँ, अब जो नीचे जो भी नजर आ रहा होगा ना, आप यहाँ से कैटेगरी क्रैकर सेलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ क्रैकर्स का डाटा आएगा, और यहाँ पे आपने मंथ के सारे सिलेक्ट करें तो फिर वो क्रैकर्स का डाटा आ गया सारा। देखो आ रहा है नजर इसमें, अगर उसको मैंने एक महीना दिया ना, इसको मार्च करूं तो डेट वाइज एक एक दिन का आ रहा है, तो आप जो चीज आपने पूरे फिल्टर अप्लाई करना है ना, तो वो टॉप पे रखा जाता है। जी सर, मैं आप लोगों को पिवट टेबल की वीडियो भी भेजूंगा, ठीक है, कि इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे आप एक एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि ये एक डेटा सेट था, इस डेटा सेट को आपने कितने एंगल से देखा, कोई काउंटिंग करके बता सकता है? सर बहुत ज्यादा हमने तरीकों से इसको देखा है, मुख्तलिफ तरीकों से, आई थिंक एवरेज में कोई 25 प्लस तो देखे होंगे तरीके, बल्कि उससे भी ज्यादा शायद। हाँ जी ऐसे ही, तो जब मैंने आप लोगों को, अब आप लोगों के क्या है, आप लोग इस डेटा में आप लोगों को ये भेज देता हूँ जी। आप कहते हैं तो मैं पिवट टेबल डिलीट कर देता हूँ, कहते हैं तो रहने देता हूँ सर, डिलीट कर दें।
बाकी भी बताए ना आपको तो समझ आ गई, बाकी लोग भी बताए सर, डिलीट कर दें, खुद करेंगे हम, खुद करेंगे कर दें सर। लो जी फिर मैं डिलीट कर देता हूँ और सबकी बात मान लेता हूँ, ये मैंने किया डिलीट, ये डेटा है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज समझ आई है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पहले इस तरह का डेटा मौजूद होना जरूरी जी। अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप लोग एक प्रैक्टिस करने के लिए ये तो बना के लेके आए, इसमें से जो भी कट्स बनाए उसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बता सके। लेकिन आप लोग आज से काम शुरू करें, आप लोग जो भी डेली एक्सपेंस करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं घर का जाती, उसको खर्चे को इस डेट, इसी तरह डेट टाइप किस चीज में खर्चा किया, कब खरीदी, क्या करी, उसकी ना एक अपने पास टेबल बनाना शुरू करें। ओके सर, सब लोगों को मेरी बात समझ आई जी। आप लोग जो भी खर्च, जो भी आप चीज खर्च करें, पैसे खर्च करें, उसकी डिटेल्स लिखें। डिटेल्स लिखने के बाद आप जब खुद को एक चीज के एनालिसिस करना शुरू करेंगे कि मैंने कौन सी चीज को खर्च किया, किसमें मेरे ज्यादा पैसे खर्च हुए, किसमें कम खर्च हुए, तो आप लोगों को एक आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि सबसे ज्यादा सैलरी आने के बाद पैसे किस चीज में जाते हैं, उसकी आप टॉप परसेंटेज निकालिए। जो टॉप परसेंटेज निकालेंगे उस परसेंटेज को फिर आपने कंट्रोल करना शुरू करना होता है, यार मेरे पैसे इस चीज में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मेरा डाटा ये बता रहा है, तो मुझे यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कोई सेविंग्स नहीं होगी, मैं उसको कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जो आप लोग ना अपनी आज से अपनी जो भी एक्सपेंस है ना उसकी एक डेटाबेस बनाए, ऐसा टेबल बनाए और उस टेबल को एनालाइज करना शुरू करें और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट लेना शुरू करें। आपको पता चलेगा बाज लोग ऐसे होते हैं जो पता लगता है कि अगर उन्होंने 10,000 रुपया खर्च किया ना, उन्होंने 3,000 की चॉकलेट ही खा गए और डे टू डे उनको पता नहीं लग रहा होता कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, जी सर, सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई जी सर। अच्छा चले, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मैं अनंत तारिक, आपको मैंने काफी बोल के किया है लेकिन स्टिल आप, अब मुझे कि मैं आपको, आप आई होप कि आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख के कोई फायदा ले सको। जी अनम तारे, अनम आपको आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है आवाज। अनम को भी पूछ रहा हूँ, अनम तारिक अनम आपको आवाज आ रही है? Mute currently unmuted. Hold A button to activate. Press space. Ace mute currently unmuted. Hold A button to activate. Ace mute currently unmuted. Hold A button to activate. Host attendees Zoom call WhatsApp. WhatsApp. चलिए ना आप mute कर लें ना, ना आप mute कर लें. HTTPS. WhatsApp to move to an item. Press the arrow keys. WhatsApp desktop. अब किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है क्योंकि हम आज खत्म कर देंगे टाइम पे। सर वो जो आपने हमें करवाया था ना डेटा, जो हम लोग मतलब के वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, नहीं डेटा जो हम कॉपी करते हैं
जो आपने आई थिंक लेक्चर टू में बताया था जी, फिर आपने कहा था कि मैं बताऊंगा आप लोग करो, तो वो वाला सर आपने नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया था जी, नहीं बताया था। अच्छा मैं अभी एक मिनट फिर दोबारा से स्क्रीन शेयर करता जी। ओके ये अभी कर दूं या नेक्स्ट पे रख लें उसको, फिर 15 मिनट लग जाएंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं कर देता हूँ। सर करवा दे, मुझे नहीं है। अच्छा चलो मैं कराता हूँ, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन नजर आ रही है जी सर? हो रही है। अच्छा जी, मैं हाइड कर इसको, मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर 3 में ये फाइलें बनाई थी ना, आपको नजर आ रही फाइल सारी? जी सर। अभी एक चीज समझिएगा, इस तरह से फाइल कटी करने के लिए इम्पोर्टेंट किया है कि हर फाइल में डेटा जो है ना उसकी हेडिंग सेम हो। ये जनवरी यूनिट्स बिल यूजर 30 की 30 फाइलों में हमने ऐसे ही बनाया था। जी 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 सर। अंदर डेटा चेंज हो सकता है, हेडिंग नहीं चेंज हो सकती। अगर हेडिंग चेंज होगी तो ये एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? ओके जी सर। अच्छा मैं क्या करता हूँ अब, एक ना आपको लोगों के एक्सेल के अंदर एक पावर क्यूरी होती है, मैं इधर आता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ, नई एक्सेल की फाइल बना लेता हूँ। ये एक मैंने एक ब्लैंक फाइल बना ली, नजर आ रही है आप? जी सर जी। ये खाली फाइल है जी। मैं जाता हूँ यहाँ पे डेटा के अंदर, एक यहाँ पे लिखा हुआ गेट डेटा जी। गेट डेटा के अंदर है फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है जी। मैं यहाँ पे इसको जाके कहता हूँ फ्रॉम फोल्डर जी। फोल्डर में जाता हूँ तो वो जो मैंने फाइल्स रखी हुई ना वो आप देखिए, डेटा साइंस की डेस्कटॉप, मैंने यहाँ से ये डेटा साइंस की ट्रेनिंग में ये लेक्चर 3 डेटा का फोल्डर पड़ा हुआ ना उधर, आपको दिखाया जी, मैंने जी सर जी। ये लेक्चर 3 डेटा पड़ा हुआ ना, यहाँ से मैंने लेक्चर 3 डेटा सिलेक्ट किया। अब आप देखिएगा वो क्या करता है। ये उसने ना उस सारी फाइलों को खोला है, उसने कहा जी कि ये फाइलों के नाम है, ये नजर आ रहे हैं 1, 10, 11, 12 जी, और साथ जी में कहता है ये फाइलें सारी एक्सेल फाइलें, तो सेम साइड की फाइलें है ना वो उठाता है जी। वो बाकी उसकी ब्रीफ डिटेल्स दे रहा है कि डेटा कब एक्सेस किया, मॉडिफाई किया, कब क्रिएट किया, क्या चीज है, फिर वो आगे बताता है कहाँ पड़ा हुआ, ये दिखा रहे ना जी। यहाँ पे ना मुख्तलिफ ऑप्शन आती है, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड टू, फिर इसमें एक लोड लोड टू भी ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब उस पर आपने कोई चेंजेस करनी। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंबाइन कर दे और लोड कर दे, ठीक है जी? ओके जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा उसने दो सैंपल दिए, एक शीट वन ये दी, उसने कहा जी शीट टू एम्प्टी है, शीट वन का ये सैंपल है, मैं इसको कटी करता हूँ, ये सैंपल फाइल दिखा रहा है, मैं उसे कहता हूँ ओके कर दो। फाइल बन गई जी, ये देखें उसने क्या किया, फाइलों के नाम बता दिए, कौन कौन सी फाइलें सारी आ रही जी, साथ उसने उनके महीने उठा लिए जो भी महीने आ रहे, साथ उसने वो जो डिटेल सी, लेकिन ये असल में हुआ क्या है मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर जाके ना ये एक यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे आपकी ये फाइल खुलती है जो डेटा कनेक्शन के अंदर आती है, मैं जब इस फाइल को खोलूंगा ना जी, उसने क्या किया है ये देखिए, उसने सबसे पहले इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेप्स परफॉर्म किए, ये देखिए ये उसने खुद ही किया ऑटोमेटिक जी। ये एक सैंपल फाइल नजर आ रही है उसने, हमने ये काफी सैंपल फाइल है, फिर उसने क्या किया कि इसके अंदर एक ये फाइल पूरी बन गई। अब ये स्टेप्स हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो उसने खुद ही किए, ये देखें जी। पहला स्टेप था ये, इस तरह से फाइलें उसने डिटेक्ट की हैं कि फोल्डर में पड़ी हुई हैं,
फिर उसने देखा है कि कोई फिल्टर लगा हुआ है, फिर उसने देखा है कि मैं इस पे कोई फंक्शन लगाता हूँ, ये ऊपर ना प्रोग्रामिंग को ऑटोमेटिक कर रहा, आपने कुछ नहीं किया, उसने कॉलम्स के नाम बदले हैं खुद ही से, उसने कॉलम्स खत्म किए, उसके बाद उसने कॉलम आपको खोल के दिए, तो ये एक पूरा टेबल बन गया, ये टेबल आपका इधर से ऐसे कंबाइन हो गया, ये पावर क्यूरी है। ये जब हम एडवांस लेवल के कोर्स में जाएंगे ना, तो मैं ये आप लोगों को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, जो लोग भी हमारे साथ नेक्स्ट कोर्स में होंगे पावर क्यूरी में, लेकिन अभी हम सिर्फ पहले डेटा सेट्स को देख रहे हैं कि कैसे करते हैं। ठीक हो गया, यू कैन डू दिस, आपके पास ये डेटा के अंदर होगा, अगर डेटा के अंदर नहीं होगा तो इधर कोई क्यूरी के अंदर होगा, ठीक है, तो ये फिर इसमें से आपने गेट फाइल फ्रॉम फोल्डर में जाने और वहां से आपने डेटा उठाना है, ठीक है जी? जी सर, ठीक है। आई होप सर, जब मैं कर रही थी ना उसमें हमारे पास ये गेट डेटा वाला ना ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे लैपटॉप में। आपके आपका ऑफिस कौन सा है? मेरा 2013, ये एमएस एक्सेल का पूछ रहे हैं? हाँ जी, कौन से ईयर का है? ईयर का, हाँ मैं 2013 ही आप बता रही है ना, 13 जी, 13 का है जी। जी सर, 13 है। अगर वो 13 है तो फिर आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर मौजूद है, अगर डेटा के अंदर नहीं है ना तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से खुलेगा। ठीक है जी सर, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। चलें, हमारे पास अभी 4 यूजर रह गए। जी मिस साइमा, जी मदरसा साहब, जी मिस साइमा, हमारे पास एंड पे 3 से 4 यूजर रह जाते हैं जो सही में आगे जाएंगे, काम सही में लर्नर्स हैं जी। चले अगले बैच में कोशिश करेंगे ज्यादा निकले अगले बैच में, इसका मतलब ये ना यहाँ पे थोड़ा सा एक और वेदर का फैक्टर भी आ रहा है, बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा क्वेटा की सराउंडिंग में सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो इनकी कनेक्टिविटी का मसला आता, जो सिब्बी और ग्वादर जैसे एरिया है वहां स्टेबल है, तो ये एक फैक्टर भी है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि मोर देन डबल जो है वो रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हाफ होते होते भी एक रीजनेबल जो नंबर है वो हमारे पास रहे। पंजाब रीजन को भी फोकस कीजिए। जी जी, हम कर रहे हैं। रीबा, तो, आपको कुछ रीबा अभी तक है तो मैं इससे पूछ रहा हूं, इस पे थोड़ा सा होता है कि बोलती कम है। अच्छा जी रीबा जी, आपको कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कुछ समझ आ रही है? जी थोड़ी थोड़ी आ रही है, बीच में जो बीच में कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं, सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन मोस्टली समझ आ जाती है। हाँ कोई बात नहीं, ये डेटा साइंस है ही कॉम्प्लिकेटेड, मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे आसान नहीं हो सकती मैंने पूरी आसान करने की कोशिश। चले जी, अब मैं आप लोगों को फाइल भेज देता हूँ तो आप लोग फिर रेस्ट करें, तो हेलो जी मिस, ये वसीम साहब नहीं, एक मिनट। हेलो, वालेकुम सलाम जी वसीम साहब, आप भी एग्जिट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हमारी एक्चुअली मीटिंग है मुदस्सिर साहब के साथ। आप कॉल कर रहे हैं सर, आप बताएं किससे बात करनी है। हां जी, आप बात सुन रहे हैं? नहीं, मेरा अपना था वो बिक गया। सेम साहब, आपको आवाज आ रही है? मिस साइमा, एग्जिट करके कॉल पे आ जाए। व्हाट जी, ठीक है, दैट्स गुड आइडिया। आ रही,